सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय सिया राम। यहाँ मैं एक्चुअली 10 साल पहले आई थी काशी, तब समय नहीं था, एक एड शूट के लिए आई थी और मन में रह गया था क्योंकि मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। हीरोपंती शायद मेरी पहली फिल्म आ चुकी थी और उसके बस बाद काशी आई थी, एक एड शूट किया, फटाफट वापस गई। आज 10 साल बाद वापस मुझे ये मौका मिला है काशी आकर काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन करने का, शिवजी की आरती करने का, और मन में बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड है, बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज। यहाँ जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है सिटी में, जो आरती के टाइम पर थी, जैसे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, और इस तरह की शिवजी की आरती और पूजा मैंने इससे पहले कभी नहीं की थी, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब आप सडनली बहुत सुकून महसूस करते हो ना अंदर, आई थिंक ये गंगा घाट पर यहाँ पर वही फीलिंग आती है, और ऐसा लग रहा है कि पहले क्यों नहीं आए यहाँ। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो प्रयास है, विकास भी विरासत भी, आई थिंक काशी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस प्रयास का, क्योंकि काशी एक ऐसी सिटी है जो मॉडर्न हुई है काफी पिछले 10 सालों में, काफी कुछ बदला है, बेटर हुआ है, काफी रीडेवलप हुई है, कनेक्टिविटी बढ़ी है यहाँ पर, पर उसके साथ साथ जो उसकी एंशंट हिस्ट्री है वो वही है, जो उसकी अंदर की फीलिंग है ना काशी की, वो वही है जो 10 साल पहले थी। एंड दैट्स द पॉइंट कि आप ग्रोथ की तरफ बढ़िए, आप आगे चलिए, आप मॉडर्न हुइए, और इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, बट साथ साथ अपने कल्चर को, अपने रूट को, अपनी सभ्यता को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। एंड इट्स जस्ट रियली बीन अमेजिंग बीइंग इन काशी, ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। आपने मोदी जी का जिक्र किया, टीएमसी से आते हैं, जी काशी को लेकर कैसे क्या विजन देखती हैं, कैसा विजन देखती हैं? आई थिंक मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो काशी में किया है, जिस तरह की कनेक्टिविटी आई है, चाहे आप रेलवेज की बात करें, चाहे आप रोड्स की बात करें, चाहे वो रिवैम कॉरिडोर जो है, चाहे कुछ नए घाट हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट आई है, बट साथ साथ जो काशी की अपनी एक फीलिंग है, जो वो कल्चर को लेके साथ में चलती है, वो फिर भी वही है। इस घाट पर आकर आपको फिर भी वही जो 10 साल पहले फीलिंग आई थी वही आएगी, एंड आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुल। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।